नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 46। 13 का खानपुर कोविड हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। बीते 5 दिन में 10 नए मामले आ चुके हैं सामने। जिले में मचा हड़कंप। 3 दिन पहले दिल्ली से पानीपत लौटा न्यू दलबीर नगर का युवक मिला पॉजिटिव। क्षेत्र को किया सील। पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के संपर्क में सभी लोगों की जा रही है स्क्रीनिंग। अब नजर डाल लेते हैं शहर भर की अन्य खबरों पर। नगर विधायक प्रमोद विज ने रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्वीपिंग मशीन उद्घाटन में नहीं पहुंची मेयर। पार्षदों में बना रोष। विधायक मेयर के बीच पड़ी दरार। नगर निगम फिर से सुर्खियों में। विधायक पार्षद मेयर का मामला पहुंचा सांसद दरबार। विधायक बोले, ना मैं किसी से डरता हूं, ना मैं किसी से दबता। प्रोटोकॉल की उड़ी सरेआम धमकियां। मेयर का बयान, विधायक होने के साथ साथ विज जिला अध्यक्ष भी हैं, सोचना चाहिए था। सुनौली खुर्द में किराए के मकान पर रह रहे 25 वर्षीय बिहार के एक प्रवासी के अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगा कर दी जान। भालका की सिलेंडर फैक्ट्री में काम कर रहे एक श्रमिक की ग्राइंडर टूटकर सिर पर गिरने से हुई मौत। फर्जी चेक लगाकर निकाले 7 लाख रुपए। बैंक कर्मियों की वारदात में शामिल होने के लगाया आरोप। नगर निगम अपने कारनामों की वजह से निरंतर सुर्खियों में। मशीन की कीमत 1 करोड़ भी नहीं, निगम ने किराए पर ली 3 करोड़ में। घोटाले की आ रही है। शुगर मिल में प्रबंधन की तानाशाही से सहमे कर्मचारी। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के फैक्ट्री चलाने वाले उद्यमियों को नोटिस। संभालका में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड न करने पर 6 व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस किया जारी। डहर स्थित नए शुगर मिल में काम करने वाले मजदूरों ने ली राहत की सांस। सभी को दी गई सैलरी। सिटी तहलका की आज की ताजा खबरों में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।